होस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव कल अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंचे। हसनपुर पहुंचने के बाद तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और उस दौरान बिहार सरकार पर हमला भी बोला। साथ ही साथ एक अन्य वाक्य देखने को मिला, तेज प्रताप यादव एक भैंस चला रहे इंसान से लालू प्रसाद यादव की वीडियो कॉल से बातचीत करवाई। जी हां, ये अजीबोगरीब वाक्य वहां देखने को मिला। तेज प्रताप यादव जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे थे उस समय उन्होंने कहा, यहां तो सरकार ही नहीं दिख रही, ना तो एनडीआरएफ और ना ही मेडिकल टीम है, प्रशासनिक पदाधिकारी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जनता अपनी समस्या किससे कहेगी। तेज प्रताप यादव ने बिथान प्रखंड की बेलसंडी, नरपा, सलाह बुजुर्ग और सलाह चंद पंचायतों का दौरा किया। ये चारों पंचायतें करे, कमला, कोसी एवं बागमती नदी की बाढ़ से घिर गई है। तेज प्रताप यादव ने स्कूल, मदरसा, निर्माणाधीन हसनपुर सकरी रेलवे लाइन एवं वह ऊंचे स्थानों पर शरण लिए लोगों से बातचीत की। नरपा गांव में पानी में डूबे प्राथमिक विद्यालय की छत पर चढ़कर अपने पिता व पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉल कर पानी से घिरे लोगों की बात कराई। तेज प्रताप यादव ने बताया कि चारों पंचायतों के दर्जनों गांव प्रत्येक वर्ष बरसात के 4-5 महीने पानी से घिरे रहते हैं, एकमात्र नाव ही आने जाने का साधन होता है। जी हाँ, तो लालू प्रसाद यादव की लोगों से बातचीत करवाई तेज प्रताप यादव ने। वहाँ पर एक व्यक्ति भैंस चला रहा था, वो भी लालू प्रसाद यादव से वीडियो कॉल पर बात करने की जिद करने लगा। फिर उसके पास तेज प्रताप यादव गए और लालू प्रसाद यादव से बातचीत करवाई। तो तस्वीरों में देखिए आप किस प्रकार से तेज प्रताप यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से लालू प्रसाद यादव की बातचीत करवा रहे हैं। इधर भी नहीं जाओ, हमारे ही विधानसभा के हैं, आइए ना, चलिए बड़े साहब बात करेंगे। लालू जी, राम अंकल जी, हेलो 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 अंकल जी, प्रणाम। हेलो हेलो, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। आगे जो चौक पर रुके थे वो थे जी? नहीं, आगे जो रुके हुए थे ना अगला चौक पर ढाला पर, वो थे आराम से भैया गंजी बहुत है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।